हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो है इंग्लिश के जो है यहाँ पर जो है जो ऐसे कि हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द होता है, इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो यहाँ पर जो इतना बड़ा जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसके लिए हम जो सिंगल वर्ड को चूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर होता है जो कि मेंटल डिजीज में जो है ट्रीटमेंट करने में अच्छा होता है, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, मैड फिजिशियन सर्जन या फिर यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट। तो यहाँ हमारा वन का राइट आंसर हो जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट कहते उसे, और वन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वायोलेशन और प्रोफैनिंग ऑफ सेक्रेड या रिलीजियस थिंग्स जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस थिंग्स यानी कि जो कोई धार्मिक चीजें होती है। तो यहाँ पर हमारा टू का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैक्रिलेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स क्या होता है, ऑरेटर होता है, सुसाइड या पर वर्टरन या स्पोक्समैन। तो थ्री का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पोक्समैन, ठीक है, दूसरों के बिहाफ पर बोलने वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेंस एंड प्लेजर्स, यानी कि पेंस एंड प्लेजर्स से बिल्कुल इनडिफरेंट पर्सन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सेंट, हर्मिट, स्टोइक या फिर रिकल्स। तो फोर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटो कलर, सिवैग, अंडर ड्रिंकर या फिर जर्मिसाइड। तो फाइव का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटो टॉलर, यहाँ पर जो फाइव का ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनएनिमियस, यूनिटरी या फिर कंसल्टेड या फेवरेट। द डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनएनिमियस, सिक्स का ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ए पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स दैट रिक्वायर्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्बोस, इसके लिए एक शब्द का यूज हो जाएगा वर्बोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु चेंज साइड्स पार्टी, स्लम, मीन, परमाउंट या फिर टर्न कोट। तो यहाँ पर हमारा एट का राइट आंसर हो जाएगा टर्न कोट, ऑप्शन नंबर बी डी सॉरी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, अ थिंग और गुड्स नॉट फ्रेश, फेटरल, स्टेल, लेजी या फिर क्लाइक। तो यहाँ पर नाइन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डैड, उसे हम लोग क्या करेंगे, तो अ वुमन एक और हुज हस्बैंड इज डैड, यहाँ पर कहलाया जाएगा विडो, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ फदर्स, यानी कि वन जो कि जो है वदर्स दूसरों के साथ मिक्स डज नॉट मिक्स फ्रीली, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसोसिएबल, थियस्ट, बिगॉट या फिर ऑटोक्रेसी। तो इलेवन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनसोसिएबल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि लेखक के जो डेथ के बाद जो बुक पब्लिश होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलर, पोस्थमस, ह्यूमस या फिर ऑजली। ट्वेल्व का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्थमस, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड इज इक्वल टू, हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो पोलैंड्री है, पोलिगेमी है, ब्यूलिज्म है या फिर सैडिस्ट है। तो थर्टीन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसे जो है पोलिगेमी कहा जाता है, ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन हु मर्डर्स हिज ऑन फादर, पैरासाइट, मैट्रिसाइड, डिमोन या फिर पैट्रिसाइड। वन मर्डर्स हिज ऑन फादर, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पैट्रिसाइड, 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिच रूल, एनार्की, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और ट्रॉपर, तो ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और ट्रॉपर क्या हो जाएगा, नार्कोटिक, पॉइजन, पैनेसिया, एंटीसेप्टिक। तो एक ड्रग कोई दवा जो कि जो नींद ये सब लाने वाली होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा नार्कोटिक, ऑप्शन नंबर 16 का जो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या थिंग्स, तो यहाँ पर जो है पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर थिस्ट। तो यहाँ पर 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, ओके, 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलेसेंट्स, इसे हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व, रॉयल पैलेस या फिर सेनेटोरियम। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेनेटोरियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रन बाय द क्राउड्स या मास, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी। तो गवर्नमेंट रन बाय द क्राउड्स या फिर मास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग मोबोक्रेसी कहेंगे। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एथियस्ट, रिलीजियस, थेस्ट या फिर सिनर। तो 20 का राइट आंसर हमारा एथियस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अ प्लेस वेयर वीपन्स एंड एम्यूनिटेशंस आर स्टोरेड और केप्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वीपन्स, हथियार सब रखे जाते हैं, हाउस है, होटल है, अर्सेनल है, अल्टीरिस्ट है। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी अर्सेनल। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो बुक्स से लव करने वाला, लवर ऑफ बुक्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेलियस, बिब्लियोफाइल, एस्ट्रोनोमर या फिर एमेच्योर। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल, यहाँ पर कहलाएगा बुक, लवर ऑफ बुक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु इज इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, थीस्ट है, ब्लास्फेमस है, एथिस्ट है, क्रिमिनल है। तो वन हु इज इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, यहाँ पर 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लास्फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन असेंबल ऑफ लिस्टनर्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एन असेंबली ऑफ लिस्टनर्स, लिस्टनर्स है, स्पेक्टेटर्स है, ऑडियंस है, विजिटर्स है। 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजिटर्स, ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा, वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल और वार, यहाँ पर दिया है बिलिग्रेंट, फाइटर, एमेच्योर या फिर मिलिट्री। तो राइट आंसर हमारा 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बिलिग्रेंट। यहाँ पर जो हमारा ये जो है पार्ट वन हुआ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके और 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।